आज से 10 दिन पहले मैंने एक सूट के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई थी। मैंने उसमें कहा था कि जो भी आपके सवाल होंगे आप सवाल करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर आऊंगी जिसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। भाई मैं एक सूट पे क्या क्या अप्लाई करने वाली हूँ स्पेशली इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। सबसे पहले कुछ ने सवाल किया था, सिंड्रेला प्लीज कंफर्म बता दो कि M4 ट्राइडल सेकंड अल्टीमेट के साथ रिटर्न में आ रही है या फिर अलग से किसी स्पिन में आएगी लाइक M4 ग्लेशियर और UMP ग्लेशियर। तो M4 ट्राइडल जो भी नाम है आप समझ जाना, M4 टाइडल करके है। ओके, सो ये वाली जो गन है वो आपको सेकंड अल्टीमेट के साथ आने वाली है। सेकंड अल्टीमेट आपका 28 को आने वाला है, मैंने ऑलरेडी आपको डेट बता रखी है। अब आप पूछोगे कि BGMI वाले क्या करेंगे, ग्लोबल में तो अल्टीमेट की रिडीम सेक्शन में आएगी 28 तारीख को। अगर BGMI की मैं बात करूं तो BGMI में जो स्कारल की स्पिन आई है ना, ये फर्स्ट अल्टीमेट, इसके अंदर रिडीम सेक्शन में ना ऑलरेडी एक्सचेंज वाले में है ओल्ड आउटफिट ओल्ड गन और यहाँ पर अपग्रेडेबल गन भी देखने को मिल रही है। तो हाई चांसेस यही है गाइज, और अब तक के जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे यही है कि आपको रिडीम सेक्शन में ही मिलेगी M4 टाइडल। अब लेट्स सी BGMI अलग से कुछ कर दे तो फिर आप समझते हो ना, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। एक्सूट का स्पिन आ चुका है फिलहाल के लिए KR वर्जन में एंड ग्लोबल वर्जन में, जिसमें आपको विश करना पड़ता है। तो अब ना 5 दिन पहले ना यहाँ पर एक इवेंट आ जाता है, उस इवेंट के अंदर आपको ना लकीली वाउचर्स मिल जाते हैं स्पिन करने के लिए। डेली आपको लॉगिन करना रहता है, 50 UC का वाउचर, 40 UC का वाउचर, 30 UC का वाउचर, या फिर आपको RP कार्ड या फिर जो एक्सूट के सामान होते हैं ना, जैसे बैकपैक हो गया या हेलमेट हो गया, वो टाइम लिमिटेड दे देते हैं। ये ग्लोबल वाले लोग इतना सोचते हैं ना यूजर्स के बारे में कि मतलब अगर आप स्पिन नहीं भी कर पाओगे तभी भी आप एक्सूट के सामान को टाइम लिमिटेड की तरीके से यूज कर सकते हो, हेलमेट हो गया चाहे बैकपैक। BGMI से मत एक्सपेक्ट करना। अब आपको अगर सिंड्रेला आप बोलो या ना बोलो हम वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं करते। खैर अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं एक्सूट आने कब वाला है। एक्सूट जो है आपको 6 अगस्त को सुबह 5:30 बजे BGMI में PUBG मोबाइल में PUBG KR में तीनों वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगा। सही है जी। अब मैंने जो आज से 10 दिन पहले वीडियो बनाई थी ना, तभी मैंने जानबूझ के बनाया था वो वीडियो ताकि मैं आपको बोलूं कि आप उसी टाइम प्राइम प्लस परचेस कर लो। इनफैक्ट काफी सारे लोगों ने उस टाइम प्राइम प्लस परचेस किया था, उनको अब मौका मिलेगा 3 बारी प्राइम प्लस यूज करने का। मतलब 3 बार आपको 18 18 18 ऐसे वाउचर्स मिल जाएंगे। मतलब अगर आप ये प्राइम प्लस परचेस करते हो ना 449 का, तो 18 वाउचर्स मिलते हैं। तो आप जो है एक सूट को 10 UC में स्पिन कर लोगे 18 बार, तो ऐसा आप 3 बारी कर सकते हो। अच्छा, दूसरी 3 बारी कैसे कर लोगे, अगर आप ये गलती करते हो तो नहीं कर पाओगे। अब जब मान लो आज आपने प्राइम प्लस परचेस कर लिया, सही है जी। अब मैं ना थोड़ा स्लो बोलती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आज आपने प्राइम प्लस परचेस किया है तो 32 डेज शो करेगा आपको, ठीक है। फिर आप 32 डेज बाद परचेस करोगे, फिर 32 डेज बाद परचेस करोगे। एक्सूट तो 2 महीने का होता है। देखिए, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है ना तो आपको ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। पार्ट 1 देखा होगा ना आपने तो ये आपको एकदम ईजिली समझ में आ रहा होगा। तो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए, ये जो 32 डेज शो कर रहा है ना, अगर आप वहां से कैंसिल कर दोगे सब्सक्रिप्शन, मान लो आज मैंने प्राइम प्लस परचेस किया और आज ही मैंने वहां से कैंसिल कर दिया, तो दोबारा परचेस करने का मौका 32 दिन बाद मिलेगा। लेकिन अगर मैं वहां पर कैंसिल ना करूं, ठीक है, ऑटोमेटिकली परचेस होने दूं, तो 30 दिन पर होगा। इसलिए 30 दिन पर होगा, कल मेरा ऑलरेडी परचेस हो गया तो 2 दिन बाकी था, ऑटोमेटिकली परचेस हो गया। अभी यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको कैंसिल नहीं करना है सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में कैंसिल का बोला था, बट अब जो है मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको कैंसिल नहीं करना है, आपको यहाँ पर अमाउंट डाल के रखना है। 449 प्ले स्टोर पर डाल दो रिडीम कोड के थ्रू जिससे आप परचेस करते हो, या फिर जीपे में आप पैसा डाल के रखो 449। तो जैसे 30 दिन होगा ना ऑटोमेटिकली परचेस हो जाएगा। और ये मुझे कैसे पता चला, मेरा ना 4 तारीख को परचेस होने वाला था, 4 तारीख को, समझ रहे हो, 4 तारीख को मैं वापस से परचेस करती प्राइम प्लस, लेकिन यहाँ पर 2 तारीख को ऑटोमेटिकली परचेस हो गया। वो होता 30 दिन का ही है, जब आप सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देते हो ना तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा यूसी मिल जाता है। अगर आप एक्सूट की स्पिन करने के लिए स्पेशली प्राइम प्लस परचेस कर रहे हो तो आप सब्सक्रिप्शन को कैंसिल नहीं करेंगे, सही है जी, वहां पर पैसे ऐड करके रखेंगे और हाई चांसेस है कि आपको 3 बारी मिलेगा प्राइम प्लस। सो अगर आप 449 का परचेस करोगे ना तो आपको वाउचर्स मिलेंगे, ठीक है जी, 18 वाउचर 50 यूसी के मिल जाएंगे और 10 वाउचर 30 यूसी के मिल जाएंगे, प्लस आपको इंस्टेंटली 300 यूसी मिलेगी और 1 महीने तक 8-8 यूसी मिलेगी। ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, कल ऑटोमेटिकली जब रिन्यू हुआ था, मतलब परचेस हो गया था 30 दिन पर, तो यहाँ पर देख सकते हो 30 यूसी के 10 वाउचर्स और 50 यूसी के 18 वाउचर्स, एक वाउचर मैंने यूज कर लिया है। तो ये वाला वाउचर की जो टाइम पीरियड है ना वो 30 दिन का होता है, तो 30 दिन बाद ये हट जाएगा। तो सबसे पहले 6 तारीख को हम लोगों को स्पिन करना है वाउचर लगा करके। तो हमें जो है 3 बारी प्राइम प्लस परचेस करने का मौका
डब्बा मिलेगा और तीन बार हमें 18 18 18 वाउचर्स मिलेगा। तो ये वाउचर का इस्तेमाल करके हम एनर्जी काफ़ी हद तक के फुल कर देंगे। साथ ही साथ आपको एक और एक ट्रिक लगानी है, वो भी मैं लगाने वाली हूँ, और मैं भी सेम प्रोसेस जो आप करने वाले हो वही सेम प्रोसेस मैं भी करने वाली हूँ। तो आप वीडियोस देखते रहेगा, फिर मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगी जिस दिन एक सूट आ जाएगा। तो हम लोगों को आईडीज ऑफ करनी है अपनी 7 डेज के लिए। अब आप सोचोगे यहाँ पर देखो 30 दिन का मौका है, हमें 2 बारी आईडी ऑफ करने का मौका मिलेगा और 2 बारी हमें यूसी मिल जाएगी एक्स्ट्रा वाली। तो उससे हम 10 यूसी का स्पिन भी कर सकते हैं। यहाँ से जो यूसी मिलती है ना हमें, जैसे लाइक अगर आप 360 परचेस करोगे तो आपको एक्स्ट्रा यूसी मिलती है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो आपको 2 बारी वेलकम बैक का इवेंट मिलने वाला है 30 दिन पर। अब आप लोगों के सवाल आएंगे कि भाई 7 दिन आईडी ऑफ रखेंगे तो प्राइम प्लस की यूसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जी हाँ, वो मिलेगी और बहुत सारे लोगों को मिली है, मुझे भी मिली है, इसलिए मुझे पता है। पहला काम, 6 तारीख को एक सूट आ रहा है। दूसरा, प्राइम प्लस आपको परचेस करना है, चाहे आपने पहले से परचेस करके रखा है या फिर आपको उसी दिन परचेस करना पड़ेगा। तीसरा काम, जो आपने प्राइम प्लस परचेस किया है, ठीक है, उसके जो वाउचर्स हैं, 50 यूसी के आपको 18 वाउचर मिलेंगे और 30 यूसी के 10 वाउचर मिलेंगे। तो आपको उसी दिन 6 तारीख को एक सूट की स्पिन करनी है। सही है जी, जितनी आपके पास वाउचर्स है सिर्फ वाउचर्स की स्पिन करनी है, 10 यूसी का जो आपका डेली का होता है। उसके बाद आपको अपनी आईडी 7 डेज के लिए ऑफ कर देनी है। अब 7 डेज के लिए आईडी ऑफ रखोगे तो आपका जो 7 दिन का डेली स्पिन रहेगा ना एक सूट का, वो तो मिस होगा, लेकिन प्लस आपको एक्स्ट्रा यूसी मिल जाएगी यहां से। तो ये इट्स अप टू यू, अगर आपको आईडी ऑफ करनी है ऑफ कर सकते हो, नहीं करनी है तो मैं नहीं भी कर सकती हूं। मैं आईडी ऑफ करूंगी ताकि मैं चाहती हूं कि मैं 2 वेलकम बैक का इवेंट ले लूं और यहां से 360 यूसी परचेस करने पर एक्स्ट्रा वाली यूसी क्लेम कर लूं, उससे मैं 10 यूसी का स्पिन कर लूंगी, समझ रहे हो। एंड लेट्स सी कि हम कम से कम कितने यूसी में एक सूट रिडीम कर सकते हैं। उसके बाद आफ्टर 30 डेज अगेन मैं अपनी 7 डेज के लिए आईडी ऑफ करूंगी और फिर जब आईडी ऑन करूंगी तो फिर से प्राइम प्लस परचेस करूंगी एंड फिर से वापस से स्पिन करूंगी मैं। और ये प्रोसेस हम 3 बारी करने वाले, लेट्स सी 3 बारी करेंगे या फिर हम 2। तो जो आईडी ऑफ करने वाला है वो हम 2 बारी करेंगे, ठीक है, और जो हमें प्राइम प्लस लेना है वो हम 3 बारी लेंगे, ठीक है। तो आईडी ऑफ इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब 7 दिन आईडी ऑफ रख लेते हो ना तो आपको रिटर्न स्पेशल का ये इवेंट मिलता है जिसमें आपको एक्स्ट्रा यूसी मिल जाती है। तो जो लोग बिल्कुल भी यूसी परचेस नहीं करते उनके लिए वेलकम बैक का इवेंट चाहिए ही चाहिए। 7 डेज आईडी ऑफ करनी ही पड़ेगी ताकि यहाँ से जो यूसी मिले वो 10 यूसी का स्पिन कर ले एक सूट का। अगर आपको चाहिए तो, आप में से काफ़ी सारे लोग सवाल करते हैं कम से कम यूसी में हम एक सूट कैसे रिडीम कर ले। मैंने आज वापस से 60 यूसी परचेस करी और फिर से मुझे यहाँ पर 120 यूसी मिल गई। तो 60-75 रुपीज़ का 60 यूसी भी मिल गई, यहाँ से 120 यूसी भी मिल गई, प्लस आपको 6 तारीख को ना यूसी अप का इवेंट आने वाला है 6 तारीख को, तो आपको यहाँ से भी 60 यूसी मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ 75 रुपीज़ का परचेस करोगे ना तो यहाँ से 60 यूसी प्लस वेलकम बैक से आपको जो है वहाँ से भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 300 वाला पैक परचेस करते हो ना, 360 वाला, तो आपको यहाँ से 300 यूसी या 200 यूसी, लेट्स सी यूसी अप इवेंट किस तरह का इस बार देते हैं, और साथ ही साथ वेलकम बैक से भी आपको मिल जाएगी। तो ये सारी स्ट्रेटजीज लगा के मैं भी एक सूट की स्पिन करने वाली हूँ और ये सारी स्ट्रेटजीज लगा के आप भी करने वाले हो। लेट्स सी कि कम से कम आप कितने यूसी में एक सूट ले सकते हो। अगर मेरे मानो तो आप कम से कम 1000 रुपये में पूरा एक सूट ले सकते हो और साथ ही साथ पूरी एनर्जी फुल हो सकती है एक सूट की, और आपको एक्स्ट्रा जो इमोट्स मिलेंगे, बैकपैक मिलेगा वो अलग। और ये लाइफ प्रूफ के साथ जब एक सूट आ जाएगा ना तो मेरी वीडियो ज़रूर से देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद एक सूट के कुछ इमोट्स आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आपको मैं बता देती हूँ और साथ ही साथ कुछ और बातें भी कर लेते हैं ताकि आपके डाउट्स और जो होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैंने इसमें सारे क्लियर कर दिए आपके डाउट। अगर आपको फिर भी कोई सवाल आता है, देखो यार मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जब भी कोई वीडियो में कुछ एक्सप्लेनेशन दूँ ना आपको, तो वो इस तरह से दूँ कि अगर एक छोटा बच्चा भी देख रहा है ना, वो भी उसको भी समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं कमेंट्स रीड करती हूँ कि आपको वो वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आई, और इस वजह से मैं बहुत इस वीडियो को स्लो में बोली हूँ। आप अगर 1-2 बार और देखोगे ना, अगर पार्ट 1 अगर आपने देखा ना तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि पार्ट 1 में ना मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो 50 यूसी के वाउचर आप कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो वो भी मैंने उसमें बताया है। तो अगर आप न्यू व्यूअर हो और आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो रिकमेंड यही करूँगी कि पहले पार्ट 1 देख लो, उसके बाद पार्ट 2 देखो एंड फिर अप्लाई करना। अब मैं क्या करने वाली हूँ,
मैं आपको ना उसी दिन बताऊंगी किस तरीके से मैं परचेस, तो मेरे पास ऑलरेडी वाउचर्स है और कुछ एक्स्ट्रा वाउचर्स भी है, तो लेट्स सी किस तरह से एनर्जी फुल होती है और कहाँ से कितने. अच्छा, रेवन एक सूट नहीं आने वाला है, ब्लड रेवन इस बार नहीं आएगा, और 3.4 में कोई एक सूट नहीं है, 3.5 में एक सूट आएगा, बट कार नाई वाला आएगा या नहीं आएगा अभी उसके ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि आप लोगों के सवाल थे कि कार्निवल कब तक आपको देखने को मिलेगा. लेकिन अगर आप ये वाला एक सूट स्पिन नहीं करना चाहते, मान लो आपको नहीं पसंद है, फिर आपको डायरेक्टली 3.5 के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर 3.5 में एक सूट आएगा. अच्छा, इस वाले एक सूट की कुछ इतनी खास बात नहीं है, कोई भी एक सूट की मैं बताऊँ आपको, इसका जो किल मैसेज है ना, सिल्वेनियस एक सूट जैसा लग रहा है ना किल मैसेज, इसका एलिमिनेशन इफेक्ट, तो मुझे इसके पहले जो एक सूट आया था ना वो थोड़ा ठीक लग रहा था, और ब्लड रेवन या फिर जोकर वाला एक सूट, उसका किल फिट किल मैसेज एलिमिनेशन जो मैसेज है ना वो ब्रॉडकास्ट एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट वो काफ़ी अच्छा है. बाकी इस एक सूट को स्पिन तो हम कर लेंगे, मतलब इतना कुछ अच्छा खास नहीं लगा, नॉर्मल है. कोई भी एक सूट अगर आप लास्ट स्टेज जाओगे ना, फाइनल वाला या फिर एकदम एंड वाला, तो आपको वो अच्छा लगेगा. अगर आप फर्स्ट सेकेंड स्टेज पर जाओगे ना, फर्स्ट पे या सेकेंड पे, तो नहीं मिलने वाला. और रही बात इसको, ये वाले एक सूट को अपग्रेड कैसे करें, तो अपग्रेड करने के लिए ग्लोबल वर्जन में आप एजी करेंसी से वो क्रिस्टल ले सकते हो, स्टार क्रिस्टल ले सकते हो, येलो वाला क्रिस्टल ले सकते हो, और वो फीचर अभी फिलहाल BGMI में अवेलेबल नहीं है. तो मान लो आप एक सूट लेके रखो, इन फ्यूचर वो वाला फीचर ज़रूर आएगा, जिससे आप एजी करेंसी से आप सिल्वर भी ले सकते हो, साथ ही साथ आप एक सूट के कॉइन्स, वो वाले कॉइन्स की बात नहीं कर रही हूँ जिससे आप अपग्रेड करते हो, वो कॉइन्स भी ले सकते हो आने वाले टाइम में. और मैंने भी फीडबैक दिया है इस चीज़ को भी लेकर के, सो लेट्स सी. तो जो स्क्रीन पे एक सूट है, ग्लैडेरिया एक सूट कह सकते हो, 5 स्टार आप देख सकते हो इसका, तो 5 स्टार ठीक ठाक लग रहा है. उसके बाद ये है इसका 6 स्टार, जिसमें आउटफिट थोड़ा सा और पीछे से बड़ा कपड़ा कर दिए, और ये टैग है, ये आप देख सकते हो चेयर पार्क में जब एंटर करते हो, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्लाइडर. अगर 2 ग्लाइडर है, पहला आपको अपग्रेड करना पड़ेगा एंड ऑल, एंड देन उसके बाद ये वाला ग्लाइडर मिलेगा अगर आपका 7 स्टार हो जाता है तो. अब वहाँ तक पहुँचने के लिए भाई हम तो बिक जाएंगे, घर जूता चप्पल सब बिक जाएगा. मैं तो सिर्फ एलिमिनेशन तक जा सकती हूँ, उसके आगे तो नहीं जाना है मुझे भाई, और वो भी इस वाले एक सूट का सोचूंगी मैं. लेट्स सी, जब आता है तो हम डिटेल में बात करेंगे. अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, एक हार्ट स्पैम कर दीजिएगा, बदले में आपको मिलेगा हार्ट, और मैं समझूंगी कि आप यहाँ तक वीडियो